देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, मैं हूं आपके साथ तना शर्मा। और आज स्वास्थ्यनामा में हम बात करेंगे बारिश के मौसम की, यानी कि मानसून की। मानसून का इंतज़ार सबको रहता है, अच्छा भी लगता है मानसून का मौसम जब आता है, जब बारिश आती है, बल्कि दिल को भी ये मौसम खुश कर देता है, खुशनुमा सा मौसम होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, जब बारिश आती है तो अपने साथ में ढेर सारी बीमारियाँ भी लेकर आती है। जी हाँ, तो इस बारिश के मौसम में कैसे बचे, कैसे खुद को और खास करके जो घर के बच्चे हैं उन्हें इस बारिश के मौसम से कैसे बचाकर रखा जा सकता है, इसी को लेकर आज हम डॉक्टर गौरव गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे कि क्या कुछ हम बारिश में कर सकते हैं और कैसे अपने स्किन का ख्याल रख सकते हैं, बालों का ख्याल रख सकते हैं और बच्चों को हम कैसे बचा सकते हैं इन सारी बीमारियों से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब का न्यूज़ वन इंडिया में। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता, मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूं जो नोएडा में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि बच्चों को कौन सी बीमारियां होती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, मानसून में बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, कुछ मानसून मौसम की वजह से, कुछ हमारी लापरवाही की वजह से। सबसे ज़रूरी बीमारियाँ हैं जो कि मानसून में खाने पीने से होती हैं, जैसे उल्टी, दस्त, पेट दर्द, जो कि हम खराब खाना या फिर खाना जो ढंग से पका नहीं हो उसकी वजह से होती है जी। दूसरा, जो हमारा गंदा खाना खाने की वजह से, जिनको हम वाटर बॉर्न बीमारियां कहते हैं, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, ये होती हैं जी। कुछ बीमारियां मौसम की वजह से, जैसे कि फ्लू, सर्दी, खांसी, सर्द गर्म होने की वजह से होती है। इनसे बचाव के उपाय बहुत ज़रूरी हैं। हमें मानसून में अपना अत्यधिक ध्यान रखना होता है, जैसे कि अगर हमें पानी से होने वाली बीमारियों से बचना है तो हमें साफ़ पानी पीना है। सबसे बेहतर होता है आप उबाल के ठंडा करके पानी पीजिए। दूसरा, आप बाहर की चीज़ों का सेवन कम करें, गोलगप्पे, पकोड़े, टिक्की इस मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं, बट उन्हें खाने से दूर रहें। तीसरा, हमें अब ये भी ध्यान रखना है, अगर हम कभी कभी बारिश में भीग गए जी, तो हमें तुरंत अपने कपड़े बदलने हैं, घर पहुंचते ही उन गीले कपड़ों के साथ ना रहें। बच्चों में ये बहुत होता है, पहली पहली बारिश है, भीगने लगेंगे और उन्हीं कपड़ों से एसी में बैठ गए, उससे उन्हें सर्दी खांसी होने की प्रॉब्लम हो जाती जी। है। छोटे बच्चों को खास करके मानसून में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और कैसे बच्चों को इन बीमारियों से दूर रखा जाए, क्योंकि बच्चे क्या है कि खेलने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं कि बारिश का मौसम में खेलने चले जाते हैं और बारिश में नहा लेते हैं, तो बच्चों को कैसे हमें बचा के रखना है। छोटे बच्चों को सबसे ज़रूरी दो चीज़ों का ध्यान रखें। बच्चे कभी भी आते आते कुछ भी खाने लगते हैं, तो अगर आपका कोई भी खाना थोड़ी बहुत देर बाहर रह गया है तो उसको ढक के रखें। दूसरा, खाना लंबे समय तक अगर रह गया तो उसका इस्तेमाल ना करें। कोई भी खाना आधा पका हुआ हो या फिर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट जैसे पेस्ट्री, केक, जो बच्चे खाना बहुत पसंद करते हैं, मानसून में इनमें बहुत जल्दी टॉक्सिन्स बन जाते हैं जिससे बच्चों को फूड पॉइजनिंग का रिस्क बढ़ जाता है, इसका खास ध्यान रखें। दूसरा, मानसून में जगह जगह पानी इकट्ठा होता है, बच्चों की आदत होती है उस पानी में खेलने की, बारिश में भीगने की, तो जैसा बताया कि पहले ही जैसे ही बच्चे घर पहुँचें उनको गीले कपड़े बदलकर सादे कपड़े पहनाएं, तुरंत एसी में ना लेके जाएं जी। और जब बच्चे बारिश के पानी में खेल के कूद के वापस आएं तो उन्हें ज़रूरत पड़े तो दोबारा अच्छे से साफ़ कर दें या नहला दें ताकि वो पानी से उत्पन्न होने वाले कीड़ों की बीमारियों से बचें जी। एक चीज़ और ध्यान रखें, बारिश में पानी इकट्ठा होता है उसमें मच्छर पनपते हैं जी। मच्छरों से डेंगू, मलेरिया इत्यादि बीमारियां होती हैं, तो जब भी बच्चों को बाहर लेके जाए, खास तौर से शाम को पार्क वगैरह में टहलाने के लिए, उस समय उन्हें पूरे कपड़े पहनाएं और मॉस्किटो रेपेलेंट जैसे बहुत सारे बाजार में मिलते हैं उन्हें उनकी स्किन पर लगाएं तो बच्चे बचाव रहेगा जी। देखिए, बारिश का मौसम अच्छा तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अभी क्या परिस्थिति है कि बारिश का जो मौसम है एकदम से मौसम बदल रहा है। कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने लग जाती है और कभी क्या होता है कि बारिश एकदम से बंद हो जाती है और गर्मी का मौसम आ जाता है। मतलब ये बदलता जो मौसम है, एकदम से बारिश हो जाना, फिर एकदम से बंद हो जाना, उमस हो जाना, तो ये बदलते मौसम में अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, क्योंकि बदलता मौसम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बीमारियाँ लेकर आता है, तो ये जो बदलाव मौसम में बार बार आ रहा है उसमें किस तरीके से अपना ख्याल रखा जा सकता है। देखिए, बदलता मौसम बहुत सुहावना ज़रूर लगता है बट इसके अपनी प्रॉब्लम है जी। सबसे पहले ध्यान रखिए, इस मौसम में उमस की वजह से फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, तो जो भी आप कपड़े पहनते हैं वो कोशिश करिए कॉटन के ही हों ताकि हवा पास होती रहे और बॉडी में उमस ना जमे। कहीं भी उमस होगी तो आपको फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, अगर किसी भी समय आपको लगे कि हम गीले हैं तो उस हिस्से को तुरंत पोंछें, टैल्क फ्री पाउडर का इस्तेमाल करें ताकि उमस इकट्ठी ना हो,
खास तौर से बगल में, जांघों में, जहाँ पे हम फंगल इन्फेक्शन जल्दी पकड़ सकते हैं। दूसरा, मानसून में खाने पीने का खास ख्याल रखें, बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं, और जो पानी आप पीते भी हैं उसे उबाल के ठंडा करके पिएं या फिल्टर वाला पानी पिएं, इससे आप अधिकतर बीमारियों से अपने आप को बचा पाएंगे। क्योंकि पानी का खास ख्याल रखना बार बार बता रहे हैं, तो पानी के लिए घर में प्यूरीफायर भी है और कुछ लोग तो पैसे खर्च करके भी बिस्लेरी का बॉटल ले लेते हैं, तो क्या इस पानी को भी उबाल के ही पिलाना है बच्चों को और खुद भी उबाल के ही पीना है? देखिए, आम जनता की अगर बात करें, सब लोग रोज बिस्लेरी का पानी अफोर्ड नहीं कर सकते। सबसे व्यापक तरीका पानी को शुद्ध करने का है, उबाल के ठंडा कर लीजिए, उससे पानी की क्वालिटी मेंटेन रहती है और पानी में जो कीटाणु है वो खत्म हो जाते हैं। जी अच्छा, ये बताया डॉक्टर साहब कि पहली बारिश जो होती है उसमें अक्सर बच्चे लोग नहाने लगते हैं और पहली बारिश में हर कोई नहाने के लिए जाता है, लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि पहली बारिश से जरूर बचना चाहिए, पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, तो क्या ये बात सही है कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए? पहली बारिश से बचने के लिए दो मेन कारण हैं। सबसे पहला, क्योंकि जब पहली पहली बारिश होती है, जो हमारे आसमान में पॉल्यूटेड कण हैं, जो हमारे आसमान में गंदगी है, उससे जो पानी हमारी चमड़ी को छूता है उससे फुंसियाँ होने का, स्किन पर रैश होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इस मौसम में हम लोग बहुत सारे बच्चे देखते हैं जिनको फुंसियाँ हो जाती हैं। तो जैसे ही अगर आपको ऐसा लगे बच्चा पहली बारिश में नहा लिया है, सबसे पहले कोशिश करें वो ना नहाए, फिर भी अगर नहा लिया तो तुरंत आती उसे अच्छे से साबुन से नहला दें फिर से। दूसरी चीज़, पहली बारिश से होने से सबसे ज़रूरी है खाना पीना खराब होना, क्योंकि अचानक से उमस बढ़ती है, ये सबसे व्यापक समय है बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शंस के बढ़ने का। खाने में फफूंद लग जाती है, चीज़ें खराब हो जाती हैं, उससे फूड पॉइजनिंग बढ़ता है, उल्टी, दस्त और पेट में दर्द बहुत जल्दी बच्चे पकड़ते हैं। दूसरी चीज़, जब भी मौसम ऐसे अचानक बारिश होती है पहली पहली, तो सर्दी से गर्मी होता है, उमस बढ़ जाती है, और अचानक से बारिश बंद होने पर गर्म से सर्द फिर से हो जाता है। तो सर्द गर्म से सर्दी, खांसी और जो हम कहते हैं ना फ्लू हो गया, वायरल हो गया, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उस समय अपना खास ध्यान रखें, ज़रूरत पड़े तो इनफैक्ट मास्क पहन के भी घूमें। अच्छा, मास्क पहन के भी घूमा जा सकता है इस टाइम पे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या बच्चों को इस टाइम फ्लू का इंजेक्शन जो होता है वो लेना चाहिए? फ्लू के इंजेक्शन से क्या बचाव कर सकते हैं बारिश में बच्चों की बीमारी की, बुखार की? और आई फ्लू भी बहुत इस टाइम बच्चों का चल रहा है, तो क्या आई फ्लू बारिश की वजह से भी होता है बच्चों को इस मौसम की वजह से? देखिए, आई फ्लू जो है और जो नॉर्मल फ्लू है वो दोनों वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन आमतौर पर जब भी मौसम बदलता है तब थोड़े बढ़ जाते हैं, तो जब भी मानसून शुरू हो रहा हो तो डेफिनेटली आपको फ्लू का टीका उसमें बचाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, टीका लगने के बाद जो आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है लड़ने की, उसमें 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है। तो हमारा पेशेंट्स को एडवाइस यही होता है कि अपने बच्चे को बारिश शुरू होने से एटलीस्ट 1 महीने पहले फ्लू का टीका लगवाएं। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं जून ख़त्म है, जुलाई स्टार्ट हुआ है, तो जून के बिगनिंग में या मई के एंड में आप फ्लू का टीका लगवाएं। दूसरा सबसे ज़रूरी टीका जो इस समय और लगवाना चाहिए वो है टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए। ये दोनों भी गंदे पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं और इस मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ तक आपने आँखों के फ्लू की बात करी, आँखों का फ्लू भी मानसून में क्योंकि वायरल है, उमस बढ़ने से हम अपनी आँखों को बार बार मसलते हैं। अपनी आँखों को सादे पानी से बार बार धोइए, जो अपना नॉर्मल टंकी का सादा पानी है, और अगर आप ये हाइजीन मेंटेन रखते हैं तो आपको आँखों के फ्लू से बचाया जा सकता है। अगर आपको फ्लू हो गया है, ये बहुत जल्दी दूसरों को फैलता है, तो चश्मा वगैरह पहनिए और कोशिश करिए ग्रुप्स में ना जाए। जैसे स्कूल से बच्चों को छुट्टी कराइए, ऑफिस से भी कोशिश करिए अगर हो सकता है तो वर्क फ्रॉम होम करने का, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, सुहावना मौसम है, तो लोगों को ऐसे में तला भुना भजिया पकौड़ी खाने का बहुत मन करता है। और लोग अक्सर देखा जाता है कि बाजार में भजिया पकौड़ी लेकर खा रहे हैं क्योंकि मौसम अच्छा है, भुट्टा खा रहे हैं। तो क्या ये जो खाना है इससे बचना है, या फिर जो किचन्स भी होते हैं जो हम ऑर्डर करते हैं खाना, वो कहते हैं कि वो खाना ठीक होता है, उतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, लेकिन यही वाला जो खाना होता है ये कई सारी बीमारी अपने साथ लेकर आता है, तो इससे क्या किस किस तरीके के खाने से बचाव करना चाहिए बच्चों को? मैं एक सिंपल सा शब्द बोलूंगा, हम अपना घर का खाना भी सुबह का शाम को नहीं खाते जो हम घर पे फ्रेश बनाते हैं। तो ये तो श्योरिटी है ही नहीं, जो बाहर खाना मिल रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कब बना था, उसमें जो आलू का मसाला यूज हुआ है या जो मैरिनेटेड चीजें यूज हुई हैं वो कब बनी थी। तो इस मौसम में बाहर का खाना तो बिल्कुल नो है मेरी तरफ से, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना। और घर का खाना भी अगर आपको लगता है आपने थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर छोड़ दिया है
तो उसको प्रॉपरली ढक के रखें। अगर वो नहीं हो पाया है किसी वजह से तो उस खाने का सेवन ना करें, उसको डिस्कार्ड कर दें। तो इस वक्त जो भी लोग बाहर का खाना खा रहे हैं, भजिया खाने जा रहे हैं, बाहर तले पकौड़े खाने जा रहे हैं, वो इस टाइम डॉक्टर की बात सुने और बिल्कुल भी जो बाहर का खाना है इस वक्त के लिए अवॉइड करें, ना खाएं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां बारिश की वजह से आपके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। तो बाहर का खाना से बचें और ऑर्डर जो आप करते हैं क्लाउड किचन से वो भी हो सकता है, तो अभी ना खाएं। वहीं अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। बारिश में हम अक्सर भीग जाते हैं, जितना ख्याल और साफ सफाई रखना चाहिए उतना हम नहीं रख पाते हैं, तो क्या इससे भी फर्क पड़ता है? साफ सफाई हाइजीन किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, बारिश में उमस, जो बाहर हम बात करते हैं उमस बढ़ गई है, ऐसे ही हमारे शरीर में भी एक मॉइस्चर लेवल है जो नॉर्मली होना चाहिए, लेकिन अगर वो बढ़ जाएगा तो हमारा शरीर भी एक लिविंग थिंग है, जीवित चीज़ है, तो वो खराब होने लगेगा। सबसे ज़रूरी अपने कपड़े पर ध्यान दीजिए, आप जो कपड़ा पहनते हैं वो कॉटन का हो ताकि हवा पास होती रहे, ताकि जो मॉइस्चर थोड़ा बहुत है जो पसीने की वजह से भी इकट्ठा हो रहा है वो इवोपरेट हो जाएगा, वो उड़ता रहेगा। दूसरा, टैल्क फ्री पाउडर यूज़ करिए, जहाँ जहाँ बॉडी के फ्लेक्सर्स पार्ट है, जहाँ भी हम फोल्ड कर सकते हैं, आपका गर्दन हो गया, आपका बगल हो गया, आपका इंग्वाइनल रीजन हो गया, इन पर आप टैल्क फ्री पाउडर का इस्तेमाल करिए, उससे भी आप मॉइस्चर से बच सकते हैं। तो जितना आप अपने आप को मॉइस्चर प्रिवेंट करेंगे वो बेहतर रहेगा। तीसरा, समय समय पर अपना ध्यान रखें, नियमित तौर से नहाएं धोएं, और अगर आप भीग गए या कपड़े गीले हो गए तुरंत चेंज कर लें घर पहुंचते ही। एक जो सबसे बड़ी समस्या बारिश के दौरान होती है वो होती है बाल झड़ने की, और कई लोगों को स्किन के डिजीज भी होते हैं, स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। देखा जाता है कि जुलाई से लेकर सितंबर तक लोगों के बाल अच्छे खासे झड़ते हैं, और ये भी बताया जाता है कि इस वक्त जो होते हैं बाल जाते हैं और नया बाल आता है, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, और बारिश के मौसम में बालों का खास ख्याल कैसे रख सकते हैं? देखिए, बालों की ना एक साइकिल होती है, जब भी मौसम बदलता है या आप बीमार होते हैं, दोनों ही सिचुएशन में वो साइकिल थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाती है और बाल झड़ना नेचुरल है। बल्कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा केमिकल्स यूज़ नहीं करने हैं, अपना न्यूट्रिशन बढ़ाना है। आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे, आप नियमित तौर पर खाना खाइए, फ्रेश खाना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लीजिए, शुगर ड्रिंक जूसेस अवॉइड करेंगे बेटर है, फ्रेश फ्रूट हमेशा अच्छा रहता है। अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तो आपके बालों को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, तो वो झड़ना कम हो जाएंगे। स्किन की जो प्रॉब्लम होती है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अपनी बॉडी पे एक्स्ट्रा मॉइस्चर प्रिवेंट करना है, नियमित तौर पर नहाते रहें, प्रॉपर क्लोथ्स पहने जिनसे हवा पास होती हो, और मॉइस्चर से बचें। किस तरीके के फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट्स हैं इस टाइम क्या खा सकते हैं, कौन कौन से फ्रूट्स बच्चों को खिला सकते हैं? इसके अलावा एक सवाल ये और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चों में देखा जा रहा है इस वक्त आई फ्लू के अलावा अगर देखा जाए तो स्किन की रैशेज स्किन में हो जाते हैं, एलर्जी स्किन में हो जाती है, लाल पड़ जाती है स्किन, हाथों में ईचिंग बच्चों को बताई जा रही है, शिकायत हो रही है, ये किस वजह से होती है? क्या ये मौसम के बदलाव की वजह से ही होती है, या फिर बच्चे नहा लेते हैं मानते नहीं है बारिश में जाके, तो उससे कैसे बच्चों का बचाव किया जा सकता है? देखिए, जो बच्चों में इस समय स्किन की दिक्कत आती है उसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो बारिश का पानी जो इकट्ठा हो जाता है, गंदा हो जाता है, बच्चे उसमें कूदते हैं, खेलते हैं, और उस गंदगी से बॉडी में रिएक्शन होता है। ये बहुत आसान सी चीज़ है। सबसे ज़रूरी दूसरी चीज़ ये है, बारिश में कीड़े मकौड़े बहुत बढ़ जाते हैं, बच्चे पाक जाते हैं, वो कीड़े बच्चों को काटते हैं, उससे रिएक्शन हो जाता है, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं पित्त उछल जाना या लाल लाल चकत्ते हो जाना। दोनों ही सिचुएशन में आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके पास कोई भी सूदिंग लोशन हो, कैलामिन का लोशन हो, या फिर कोकोनट ऑयल भी अगर तुरंत अवेलेबल है वो लगा दें। ये प्रॉब्लम खुजली करने से ज़्यादा बढ़ती है, तो अगर बच्चा खुजाएगा तो वहाँ घाव हो जाएगा, तो खुजाव से बचाएं। इसी के आगे मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, मानसून में हमेशा अपने पास कुछ दवाइयाँ ज़रूर रखें, उल्टी के लिए, पेट दर्द के लिए, बुखार के लिए, और स्किन पर लगाने के सूदिंग लोशंस, इनसे आप समय रहते अपने आप का बचाव कर लेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम टाइम देख के आए, कोई रात को हो जाएगी, आपको बीच रात में उल्टियां हो सकती हैं, तो अपना ध्यान रखें, अपना मेडिसिन का थोड़ा स्टॉक रखें। डॉक्टर, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं उनको अक्सर अपना खास ख्याल रखना पड़ता है, तो मानसून के मौसम में प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या कुछ खाना चाहिए और किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, बारिश के मौसम में निकलने में उनको कितना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी कई सारी समस्या होती हैं स्किन से जुड़ी, उस टाइम हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, तो प्रेग्नेंट लेडी को अपना किस तरीके से ख्याल रख सकती हैं मानसून के मौसम में? देखिए, जो जनरल ख्यालात वाली चीज़ें हैं जो हमने बात की वो तो प्रेग्नेंट लेडीज़ पर भी लागू होती हैं। प्रेगनेंसी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आप हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई कैच करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन रहते हैं, ये दोनों ही गंदे पानी से फैलती है, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए स्ट्रिक्ट नो है, आप बाहर का कुछ भी सेवन ना करें, ये दो तीन महीने आपकी खुद की सेहत के लिए और आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है।
सबसे कॉमन आप प्रोन हैं लूज मोशन वॉमिटिंग कैच करने के लिए। अगर आपको लूज मोशन वॉमिटिंग होते हैं तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, ORS का सेवन करते हैं और स्ट्रिक्टली बाहर की चीजें बिल्कुल भी ना खाएं। इस मौसम में एक चीज और देखने को मिलती है कि वैसे तो आप स्वस्थ होते हैं, ना आपको डेंगू है ना कोई और दूसरी कोई दिक्कत हो रही है, आप चेकअप भी करा रहे हो ठीक है, लेकिन बॉडी जो है अनहाइज मतलब अच्छे से नहीं रहती है, लेजी लेजी फील होता है बॉडी में, हमेशा ऐसा लगता है कि आप बुखार से पीड़ित हैं और बॉडी पेन जो होता है वो भी लगता है। तो मौसम से इस बात का क्या रिलेशन है, क्यों ऐसा लगता है बॉडी में इस टाइम पे कि आप स्वस्थ नहीं है पूरे तरीके से? देखिए मानसून का मौसम सुहावना बहुत है लेकिन वो हमारे बॉडी बैलेंस पर असर डालता है क्योंकि पसीना बहुत आता है, हम अपने शरीर से बहुत ज़्यादा सॉल्ट और वाटर लॉस करते हैं। हमारी आम तौर पर टेंडेंसी होती है कि हम सिर्फ पानी पानी पीते रहते हैं, पानी से हमें कोई नमक नहीं मिलता जी। जबकि जो चीज़ हम लूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत तरह के नमक हैं, मिनरल्स हैं। तो हमें अपना ध्यान रखना है कि हम फ्रेश फ्रूट्स खाते रहें, उससे मिनरल्स मिलते रहेंगे, उससे जो हम कहते हैं ना उदासपना है शरीर में, कमजोरी सी लग रही है, थकान, वो नहीं आएगी। दूसरा, बारिश के मौसम में हम बहुत ज़्यादा तला फला खाने पर जाते हैं, चलिए आज समोसा खा लेते हैं, आज पकौड़ी खा लेते हैं, उन सबसे बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है क्योंकि आजकल हमारी दिनचर्या बैठने की ज़्यादा है, चलने फिरने की कम है, उससे एसिडिटी होने की वजह से हमें लगता है कि अंदर से शरीर अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सब कुछ जो रिलेटेड है वो खाने पीने से और मौसम से ही रिलेटेड है जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि आसमान से होने वाली बारिश आपके और आपके बच्चों के लिए कितनी समस्या खड़ी कर सकती है। आप इस मानसून का भरपूर एंजॉय करें लेकिन बारिश के दौरान सावधानियां भी बरतनी जरूरी हैं। तो आज के इस एपिसोड में मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।